हर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की सलाह दे रहा है। लोग जगह जगह पे बुला बुला के ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। फसल के अच्छे रेट मिलेंगे ये सोचकर मैंने भी इस बार जैविक खेती की, नहीं डाला अपने खेतों में कोई भी प्रकार का रासायनिक यूरिया खाद या DAP। अब मेरी फसल खेत में तैयार खड़ी है, सवाल ये है कि मैं इसे बेचूं कहाँ पे। मैंने हर जगह ट्राई कर लिया पर मेरे माल का कोई उचित ग्राहक नहीं मिल रहा। हार के मैं इस माल को मंडी लेके गया तो आढ़त ने ये कह के मेरा माल ठुकरा दिया कि इसका तो साइज छोटा है, दाने में इतनी शाइन नहीं है, पत्तों को तो कीड़े ने खा रखा है। ₹1 का माल $1 में बेचूंगा ये सोचकर मैंने जैविक खेती करी थी, लेकिन अब मैं फंस गया। दुनिया के बाजार में जो माल ₹1 में बिकता है, अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बना है तो वही माल $1 में बिक जाता है। मंडी में मुनाफा तो छोड़ो, लागत भी नहीं निकल पा रही है। लक्ष्य भाई आप ही बताओ मैं क्या करूं। किसान भाइयों, अगर आप भी इस सिचुएशन में अपने आप को पा रहे हैं तो डरिए मत। मार्केटिंग की समस्या लगभग हर किसान के साथ आती है, और ख़ास करके उन किसानों के साथ जो कुछ अलग, जो कुछ हटके करना चाहते हैं उनके साथ आती है। मैं 100 से ज़्यादा किसानों को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर, ऑर्गेनिक मार्केट के अंदर अपना माल उतारा और पहले ही साल में ढंग से मार्केटिंग ना करने के कारण एक ही साल के अंदर भारी घाटा खा के उन्हें पूरा धंधा बंद करना पड़ा। तो इसीलिए जो गलतियां हमने की हैं वो आप ना करें। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पे बात करेंगे। जय हिंद साथियों, ऑर्गेनिक एकड़ YouTube चैनल पे और मेरे खेत पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो चालू करने से पहले आप सभी को मैं एक कड़वा सच बताना चाहता हूँ। देखिए, ऑर्गेनिक जो अभी मार्केट है वो अभी बहुत ही इन्फेंट स्टेज पे है, यानी कि ऑर्गेनिक की मार्केट इतनी डेवलप नहीं हुई है। इसीलिए फिलहाल कोई अगर छोटा किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है और मार्केटिंग खुद करना चाहता है तो फिलहाल वो अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहा है। ना तो कोई सरकार की कोई ऐसी मंडी है जहाँ पे आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को मार्केट कर पाएँ, ना ही कोई उनकी तरफ से कोई ऑर्गेनिक के लिए स्पेशल MSP दिया जाता है, और ना ही कोई ऐसा बड़ा प्राइवेट व्यापारी है जिससे कोई छोटा किसान जुड़ के अपना माल ऑर्गेनिक के भाव अश्योर्ड होके बेच पाए। YouTube पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी ये बताते हुए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़ायदे क्या हैं, जीवामृत दवाइयाँ कैसे बनानी है, फलाना ढिमकाना, पर कोई भी एक आदमी या वीडियो आपको नहीं मिलेगी जो ये बता सके कि जब मेरा माल तैयार हो गया तो हम उसको बेचे कहाँ पे। तो अब ऐसे में आप क्या करें अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहे हैं और आपका माल तैयार हो गया है, और लिटरली मेरे को हजारों कॉल आते हैं, बोलते हैं कि हमारा पास गेहूं धान पड़ा है, हमारे पास सब्जी आए, हम कैसे बेचें। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप घबराइएगा नहीं, आप इसमें अकेले नहीं हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की या किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करें तो मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। जाहिर सी बात है, मैंने अपनी मार्केट बनाई है तो आप भी बना सकते हैं। अगर आप जो सजेशंस मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ उनको समझते हैं और ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं, आई कैन एश्योर यू दैट कि आप कभी भी मार्केटिंग के अंदर मार नहीं खाएंगे। चाहे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अपना प्रोडक्ट खुद बेचना चाह रहे हो, या फिर आप किसी फार्मर से प्रोक्योर करके ऑर्गेनिक शॉप के माध्यम से अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन बेचना चाहते हो, चाहे आप पोल्ट्री का बिजनेस करना चाह रहे हो या फिर ऑर्गेनिक डेयरी का बिजनेस करना चाह रहे हो, इनफैक्ट अगर आप मार्केटिंग की समझ लेना चाह रहे हो, आपको ये वीडियो बहुत काम आएगी, क्योंकि इसमें मैं अपने 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। और इसीलिए वीडियो थोड़ी डिटेल में होगी, 2-3 पार्ट में बनेगी। ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, काम पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चीज़ों को बेटर समझने के लिए हम इस वीडियो को 3 भाग में बांटेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज तीनों भाग की अलग अलग होगी। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे B2B मार्केटिंग की। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि B2B मार्केटिंग होती क्या है। आई एम वेरी श्योर आप अगर थोड़ा बहुत भी YouTube पर रिसर्च करते हो तो इतना तो आप जानते होंगे कि B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, यानी कि मैं एक बिजनेस हूँ
चाहे फार्मिंग भी है, लेकिन फार्मिंग एक बिजनेस होता है। तो मैं एक बिजनेस हूँ, मैं गेहूँ उगाता हूँ और उसके बाद मैं अपना गेहूँ किसी चक्की वाले को बेच रहा हूँ, जो उस गेहूँ को यूज़ करके आगे कस्टमर्स को या बल्क में आटा सप्लाई करता है। तो इस टाइप की जो मार्केटिंग होती है उसको B2B मार्केटिंग बोलते हैं। बी से आप इसको बल्क भी बोल सकते हैं। बेसिकली आप बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग कर रहे हैं। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि माल आपका इकट्ठे बल्क में बिकता है, तो इसमें एक आध किलो के पैकेट नहीं इकट्ठे के इकट्ठे बिकते हैं। तो अगर आप B2B मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या आपकी क्रोनोलॉजी रहेगी, आप बेसिकली आप बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, इस पे मेरे 12 पॉइंट्स हैं। नंबर वन, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट क्या है। देखिए, जब नया बिजनेस चालू करते हैं और बिजनेस की इतनी समझ नहीं होती तो डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक कंपनी की पहचान बनाने के लिए अपना एक प्रोडक्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का नाम एक्स क्या करती है, वो वाई प्रोडक्ट बनाती है और उसमें स्पेशलाइज करती है। क्योंकि पहली स्टेज में जब हमने बिजनेस नया नया चालू करा है, हमारा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हमें बिजनेस को ब्रेकिंग पॉइंट पे लाना है और बिजनेस को संभालना है। हमें ऐसा नहीं करना कि हमने बिजनेस को फैला दिया और हमसे संभला ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सब्जियां उगा रहे हैं और हम सब्जियों की बल्क में मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो हमारा सिर्फ एम ये होना चाहिए कि हम अच्छी सब्जियां उगाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, अच्छी सब्जियां उगाने के लिए वो क्या कोशिश करते हैं कि हम वर्मी कंपोस्ट लगा लें ताकि खाद भी हम बना लें। अब उसके बाद बीज के लिए हम बीज प्रोडक्शन में भी घुस जाएं, और अगर बीज बना भी लिए तो हम नर्सरी भी अपनी बना लें। उसमें बहुत काम फैल जाता है। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आप सब्जियां बेचना चाह रहे हैं तो आप अपनी सब्जियों में स्पेशलाइजेशन करें। आप अच्छे से अच्छा बीज या प्योद खरीद के लाएं, आप अच्छी खाद खरीद के लाएं, और सबसे पहले आप ये अचीव करें कि आप उन सब के बाद अच्छी सब्जी उगाएं और उसको मार्केट कर पाएं। फिर जब बिजनेस चल जाएगा तो धीरे धीरे हम कर लेंगे कि हमने वर्मी कंपोस्ट से अपनी कंपोस्ट भी बना ली और हमने अपनी यहाँ पे नर्सरी भी बना ली। पर पहली स्टेज में हम चीज़ों को बहुत सिंपल रखेंगे। नंबर टू, हु इज़ योर टारगेट कस्टमर। जब आप बिजनेस चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने बिजनेस की रिसर्च करिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स किस किस को माल बेच रहे हैं, यानी कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हैं। और ये पोटेंशियल कस्टमर्स आपको थ्रू आउट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ सर्च करने हैं, यानी कि आपके शहर में और सराउंडिंग एरियाज़ में कौन कौन से हैं, और इसके बाद हॉरिजॉन्टल एवेन्यूज़ जैसे कि कुछ शॉप्स हैं, कुछ ऑनलाइन स्टोर्स हैं, तो जितने भी पॉसिबल एवेन्यूज़ हैं जहाँ से आपका बिजनेस चल सकता है, आप उसको रिसर्च करिएगा ऊपर से नीचे तक थ्रू आउट सारे, कि छोटी से छोटी दुकान जिसको आप बेच सकते हैं और बड़े से बड़ा कोई रिलायंस का स्टोर जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अंदर होटल हो सकते हैं, खासकर के आजकल शहरों के अंदर ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट्स खुलने लग गए हैं जो सिर्फ ऑर्गेनिक खाना सर्व करते हैं, और आप ढाबा अपने टारगेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारा हमारे पास ए ग्रेड का माल हो, हमारे पास कुछ माल हो सकता है जो थोड़ा पिचका हुआ टमाटर है, जो थोड़ा सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड है, उसको हम ढाबे में सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा होटल हो गए जो जो आपके आसपास एरिया में हो सकते हैं, आप उनको वहाँ पे जाके बोल सकते हैं, आप उनसे रीच आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा बिजनेस ये है, हमने इस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, तो सेकंड के अंदर हमने सारे पोटेंशियल कस्टमर्स की एक लिस्ट बनानी है। और आप यकीन मानिए, घर बैठे ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। आप जब बाहर जाएंगे, दुनिया के अंदर घूमेंगे, तो आपको पता लगेगा ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारी आजकल दुकानें खुल रही हैं, ऑर्गेनिक की दुकानें हैं जो खुद ढूंढ रही हैं ऐसे किसानों को जो जिनसे वो माल खरीद सके। अच्छे दाम पे भी उनको मिलेगा और आपको भी थोड़ा बेटर बेनिफिट है, क्योंकि आप एक ही जगह सारा माल बेच देंगे तो थोड़ा आप डिस्काउंट में भी दे सकते हैं, ऑफकोर्स ट्रांसपोर्ट भी बचेगा। तो बेसिकली आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, और एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। और अगर आप किसी चीज़ का सोल्यूशन देना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉब्लम क्या है वो एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, इसीलिए रिसर्च करना ज़रूरी है। तो मेरे केस के अंदर मैंने रिसर्च करी, मार्केट के अंदर गया, लोगों से पूछा, तो ये पता लगा कि भैया लोग और जो कस्टमर्स हैं अवेयर हो रहे हैं हेल्थ के प्रति, उन्हें समझ में आ रहा है कि अच्छा खाना, अच्छा खुराक देना, एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करना ज़रूरी है आपकी मानसिक सेहत, आपकी फ़िज़िकल सेहत और एक लॉन्जिटिविटी के लिए, यानी कि एक लंबी और अच्छी ज़िंदगी के लिए।
तो इसीलिए कस्टमर जब अवेयर हो रहे हैं तो ऑफकोर्स उस चीज़ को मॉल में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो छोटी या बड़ी दुकानें हैं वो भी समझ रही हैं कि ऑर्गेनिक का ट्रेंड आ रहा है। तो हमने ये रिसर्च के अंदर पाया कि क्लियर हमारा ट्रैजेक्टरी दिख रही है कि ऑर्गेनिक की डिमांड बढ़ने वाली है। तो इसीलिए हमने दुकानों के ऊपर गए स्टार्टिंग में, उनसे पूछा कि आपकी क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला हमारे को एक अच्छा सप्लायर चाहिए जो टाइम पे अच्छी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके सही रेट पे सब्जियां दे दे। तो बस हमने अपना कस्टमर के हिसाब से सुनते हुए, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हुए अपना बिजनेस मॉडल उस हिसाब से डेवलप करना चालू किया। देखिए, आपको धंधे की नब्ज पकड़नी पड़ेगी, चाहे कोई भी बिजनेस में उतर जाओ। आपको अगर उसकी ABCD नहीं पता है तो आप मार खाओगे। और कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसका बेसिक फॉर्मूला एक ही है, बिजनेस इज इक्वल टू डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई क्या है? बेसिकली अगर कोई भी चीज़ कंज्यूम हो रही है तो कितनी कंज्यूम होती है उससे पता लगता है कि डिमांड क्या है, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूर्ति कितनी हो रही है वो सप्लाई है। ठीक है, और इसी पे हमारी सारी दुनिया चलती है। बिजनेस में आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, फॉर एग्जाम्पल हम प्याज का ले लें, तो वही प्याज आपका फरवरी मार्च अप्रैल आते आते 2 रुपये 5 रुपये किलो पे आ जाता है, वो प्याज नवंबर अक्टूबर आते आते 100 रुपये किलो टच कर जाता है। क्यों कर जाता है? सिंपल यही फॉर्मूला, बिजनेस इज इक्वल टू डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई है कम तो उसके रेट बढ़ेंगे, क्योंकि देने वाले कम हैं खरीदने वाले ज़्यादा हैं। और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, जैसे कि मार्च में पूरे नॉर्थ में प्याज खुदना चालू होता है तो एकदम से पूरी मार्केट के अंदर प्याज आ गया, सिमिलरली आलू आ जाता है, तो उसके रेट हो जाते हैं कम क्योंकि देने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले तो उतना ही है। और फिर वही प्याज जब खुदने के बाद दोबारा नहीं खुदता, धीरे धीरे स्टोरेज में कम होता रहता है, तो डिमांड तो उतनी रहती है और सप्लाई कम होती रहती है। तो इस प्रकार से 5 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बदल जाती है मात्र 6 महीनों के अंदर। इसीलिए आपको बिजनेस की नब्ज पता होनी चाहिए। आप मंडी के अंदर भी सब्जियां बेच के लाखों कमा सकते हो अगर आपको ये पता है कि कौन सी चीज़ कब टाइमिंग में आपको लानी है, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं अगेती की फसल है या पिछहती की फसल है, मतलब अर्ली वैरायटी या लेट वैरायटी। क्योंकि जब मार्केट के अंदर वो चीज़ की सप्लाई कम है और आप प्रोडक्ट को तब ला पा रहे हैं तो बिना आपको कुछ भी स्ट्रगल करे उस चीज़ का रेट अच्छा ही मिलेगा, और ना ही कहीं मार्केट ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा। जब मार्केट के अंदर 100 रुपये प्याज हो जाता है ना, तो हमारे यहाँ पे दिन भर कॉल आते रहते हैं और वो बोलते रहते हैं भैया प्याज चाहिए, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होता। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए 4th पॉइंट पे हम कुछ भी उगाने से पहले कस्टमर के बिहेवियर को समझेंगे, ताकि नेक्स्ट पॉइंट पे हम उसे एक अच्छा पिच कर पाए। तो चलते हैं 4th पॉइंट पे। अब हमने समझ लिया कि हमने कौन सा बिजनेस चालू करना है, उसमें क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट उगाना है, हमने अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की जो बल्क प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट भी बना ली। अब 4th स्टेप के अंदर हम खेत में कुछ भी बोने से पहले अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के पास जाएंगे, हम उनसे डील करने नहीं जा रहे, इस स्टेज पे हम जा रहे हैं उनका कस्टमर बिहेवियर समझने। बेसिकली बात यह है, इस स्टेज पे आपको अब इसमें डिटेल में जाना है कि कल को आप इनको पोटेंशियल आपके ये ग्राहक हैं, कल को आप इनको बेचने जाएंगे तो इनके हिसाब से हमारे को करना है, इनको समझना है, इनको सुनना है कि ये क्या चाहते हैं, और उनके हिसाब से हमें अपना बिजनेस मॉडल डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्जियां उगा रहे हैं और आप कोई सब्जियां बेचने वाले दुकान पे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे जाके ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि इनके वर्किंग आवर क्या है, इनको डिलीवरी कितने बजे चाहिए रहती है, इनको किस क्वालिटी का माल चाहिए, Grade 1 चाहिए, Grade 2 चाहिए या बिल्कुल ही Grade 3 चाहिए, डिस्कार्डेड वाला। इसके बाद ये देखना है कि इनको हफ्ते में कितनी बार माल की डिलीवरी चाहिए रहती है, और बेसिकली किस प्रपोर्शन में आपको सब्जियाँ सप्लाई करवानी है। तो हमारे पास अगर ये डाटा नहीं होगा कि हमें 10 प्रकार की सब्जियाँ लगानी है, तो कितना किलो घिया, कितना किलो प्याज, बाकी सारी सब्जियाँ, हो सकता है चेरी टमाटो बहुत कम मात्रा में बिके क्योंकि एग्जॉटिक चीज़ है, वहीं आलू प्याज डेली एसेंशियल की चीज़ है तो ये बल्क में ज़्यादा बिकेगी। तो आपको ये सारी रिक्वायरमेंट बेसिकली कस्टमर बिहेवियर को समझना है। देखिए, कोई भी डील सक्सेसफुल इसलिए होती है कि आप जो सेकेंड पार्टी है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहे हैं। कोई भी डील सक्सेसफुल इसलिए नहीं होती कि
आपकी रिक्वायरमेंट को कोई पूरा कर पा रहा है। ये दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको दुनिया के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, आप कितना भी अलग काम कर लें। तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर ये है कि अब हमने सब्जियां उगा ली, हमारे पास कस्टमर का डाटा है, हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास नेटवर्क है। अब हमारे पास जब माल रेडी होने वाला है तो हम इस स्टेज के अंदर कस्टमर्स को अप्रोच करना चालू करेंगे। और ध्यान ये रखेंगे कि हम जब भी कुछ पिच करने जाएँ, अपने बारे में बताने जाएँ, कोई बिजनेस डील करने जाएँ, तो हम अपना बेस्ट दें। हम अच्छे से नीट एंड टाइटली ड्रेस्ड हो, वो ये नहीं गए इतना चप्पलों में चले गए। आप किसी मॉल में जा रहे हो तो चौकीदार भी अंदर नहीं घुसने देगा, तो प्रेजेंटेबल रहो। उसके बाद जब आपको मौका मिल रहा है किसी से बात करने का तो कॉन्फिडेंट रहो और प्रिपेयर रहो कि आपको वो बंदे से मुलाकात नहीं होगी और हो सकता है वो आपसे डील फाइनलाइज ना करे, पर फिर भी होपफुल रहेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे और हम वहाँ पर अपना वर्ड आउट करेंगे, मतलब अपने बारे में बताना चालू करेंगे जितनों को भी मिल सके। अगर वहाँ पे हम मैनेजर से नहीं मिल पा रहे तो सेल्स पर्सन से मिल लेंगे कि कहीं ना कहीं हम वहाँ पे उनके कान में बात डालना चालू कर दें कि हम हैं, हम ये काम करते हैं और हम डील करने के लिए तैयार हैं और आपको इससे फ़ायदा होगा। और इसीलिए हमारा फोर्थ पॉइंट ज़रूरी था कि हम जो भी अब पिच करेंगे, जैसे भी हमारे पास मौका मिला मैनेजर से बात करने का या दुकान के मालिक से बात करने का, तो हमारे पास क्लियर USP होनी चाहिए, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। और इसको समझने के लिए आप ऐसे सोचिए कि आप देखिए अपने आप को दूसरे की पोजीशन में कि मैं एक दुकानदार हूँ और मेरे पे कोई एक किसान आया है, तो मुझे ये चूज़ करना है कि उन और 100 किसानों से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनके ऊपर मैं आपको क्यों चुनूँ। समझ रहे हैं, एज ए दुकानदार, एज ए शॉप ओनर मुझे ये जानना ज़रूरी है कि मेरे को इस बंदे से डील करके सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसीलिए आप कोई दुकानदार से डील कर रहे हैं तो उसका आपको दिमाग पढ़ लेना होता है कि उसे क्या क्या चाहिए और उसी हिसाब से USP बताने हैं। USP तो बहुत सारी हो सकती है, पर USP आपको वो वाली बतानी है जो रेलेवेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, गोभी लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप क्यारी बना के लगा सकते हैं या रेज्ड बेड पे लगा सकते हैं। अब आप उसको ये जाके बोलिए कि हमने क्यारियों की बजाय रेज्ड बेड पे लगाया है, इस इन्फॉर्मेशन का दुकानदार क्या करेगा? तो ये USP उसके किसी काम की नहीं है। आपने उसे ये बताना है कि ये वाली गोभी भाई ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, चाहे तो लैब टेस्टिंग करा ले, और ये मीठे पानी की है। और आपने ये बताना है कि औरों की सब्जियां हैं जो ऐसी नाले के पानी की कर रहे हैं, हम अच्छा अपने खुद की बोरिंग का पानी का हम अपनी खेती कर रहे हैं। तो इस टाइप से आपको अपने पिच तैयार करनी है और इसमें यही उसको जो बातें सुननी है वो बोलनी है। अगर उसके वर्किंग आवर है कि मतलब दुकान 7 बजे चल जाती है, तो आपने उसको ये बोलना है, हमारी एक USP ये भी है कि हम आपको बढ़िया माल आपके हिसाब से सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके सुबह 6 बजे तक माल पहुँचा देंगे। तो वो चीज़ें जो उस दुकानदार की लाइफ को आसान बनाए, ऐसी आपको USPs बतानी है, ठीक है? क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेस का राज यही है कि आप एक कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके और सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर सके। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ओला है, उबर है, इन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली इन लोगों ने एक प्रॉब्लम देखी, ये गली में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कस्टमर से पूछा कि आपको कहीं पे भी जाना है लॉजिस्टिक्स में आपको क्या दिक्कत होती है? तो लोगों ने बताया कि टैक्सी टाइम पे हमें मिलती नहीं है, ऑटो स्टैंड तक पैदल जाना पड़ता है, इनके नखरे होते हैं, मीटर से चलते नहीं हैं, अपनी मर्जी के डायरेक्शन पे लेके जाएंगे। और फिर इन्होंने, ओला वालों ने कस्टमर्स की प्रॉब्लम सुनी एक तरफ, और दूसरी तरफ इन्होंने टैक्सी ड्राइवरों की, ऑटो रिक्शा वालों की प्रॉब्लम सुनी। ऑटो रिक्शा वालों के पास गए, उन्होंने भी यही प्रॉब्लम बताई कि हमारे को बेफालतू में लेफ्ट राइट घुमाते रहना पड़ता होता है कि कोई सवारी कहीं मिल जाए, बहुत बार्गेनिंग बेफालतू में करनी पड़ती है, हम जिस रास्ते में नहीं जाना चाहते हमें मजबूर करते जाने को। तो उन्होंने दोनों की प्रॉब्लम सुनी और एक सोल्यूशन निकाला मोबाइल ऐप के थ्रू कि ठीक है, कस्टमर को जहाँ खड़ा है वहीं पर ही उसने अपनी एक कैब बुक कर दी कि भैया मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है। रेट तय करने वाले हो गए हम खुद, और ड्राइवर को उन्होंने दे दी ये अथॉरिटी कि भैया आपको ये सवारी चाहिए तो हाँ भर दो, नहीं तो मत भरो। तो इसमें एक जगह पे टैक्सी वाला भी पेट्रोल बचा के अपना खड़ा है और कस्टमर को भी कहीं ज़्यादा भटकना ना पड़ रहा। तो बेसिकली उन्होंने एक जेन्युइन प्रॉब्लम देखी और उसका एक सॉल्यूशन निकाला और एक विन विन विन, तीनों के लिए विन 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 सिचुएशन क्रिएट कर दी, जिसमें कस्टमर भी खुश है, ड्राइवर भी खुश है, एंड ऑफकोर्स ओला वाले तो खुश हैं ही, मल्टी बिलियन कंपनी है उनकी। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो, खेती के अंदर हो, चाहे कहीं पे भी हो,
अगर आप उसका सोल्यूशन ढूंढने से पहले प्रॉब्लम सही देख पा रहे हो और उसका सोल्यूशन निकालने में जुट जाएं, तो आई एम वेरी श्योर आप रेवोल्यूशन ला सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, खेती करनी है पहले साल अगर आपने करनी है तो खुद करनी है, ताकि आप वहाँ की दिक्कतें समझो, ये समझो कि शेल्फ लाइफ की क्या दिक्कत है, आप ये समझो कि कितना फिजिकल हार्ड वर्क है, पानी की समस्या कैसी है। जब ये चीज़ें आप खुद करोगे ना, तभी आपको प्रॉब्लम दिखेगी, और जब तक प्रॉब्लम नहीं दिखेगी तब तक आप सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो छठा पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि आप वही प्रॉमिस करें जो आप की फ्रेंकली स्पीकिंग औकात में हो, यानी कि जो प्रूडेंट हो, जो प्रैक्टिकल हो। आप ये मत करिएगा कि मार्केट में डिमांड है, या मॉल वाला अगर मान लो 7 बजे या 6 बजे दुकान खोलता है और वो कहता है मेरे को 4 बजे या 5 बजे आप सब्जियां पहुंचा दो, और अगर आप नहीं पहुंचा सकते, जैसे कि कुछ शॉप्स हैं जो हमसे मंगाया करती थी और वो रात के 12 बजे डिलीवरी मंगाती थी, और कमिटमेंट पूरी करने के लिए हमने किया भी, पर वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं था। सुबह भी डिलीवरी जानी है, रात में भी डिलीवरी जानी है, सारा दिन ही काम चलता रहता है, अभी भी चलता रहता है, पर वो बहुत हैंडल से बाहर हो गया था। तो इसीलिए आप कोई भी प्रॉमिस करें, आपने अपनी जो भी कोई USP बताई है वो आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए बताएं, क्योंकि अगर आप कोई प्रॉमिस करते हैं और पूरा नहीं करते तो आखिर में आपका नाम ख़राब हो रहा है मार्केट में, और बल्क मार्केटिंग में, B2B मार्केटिंग में नाम ही चलता है। प्रोड्यूसर जो सप्लायर होता है उसका नाम चलता है कि भैया ये क्वालिटी अच्छी देता है या टाइम पे सप्लाई देता है, और जो ख़रीदने वाला होता है उसका नाम चलता है कि भैया ये अच्छा ऑर्डर देता है, टाइम पे ऑर्डर देता है और पैसे टाइम पे दे देता है। तो आखिर में नेटवर्किंग और नाम चलता है, तो इसीलिए नाम बनाना है हमारे को, और उसके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो आप 100% ना दे पाओ। चलते हैं 6th पॉइंट पे, जो है सर्टिफिकेट। देखिए, जो कस्टमर मार्केटिंग है, B2C मार्केटिंग है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी फेस वैल्यू चलती है, लेकिन B2B मार्केटिंग में अक्सर सर्टिफिकेशंस, लेजिस्लेशन और जो GST वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए। जैसे खाने पीने का कोई भी चीज़ है तो FSSAI का होना चाहिए, ऑर्गेनिक का है तो ऑर्गेनिक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाय द वे, हाउ टू गेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट की एक अलग वीडियो मैंने बना रखी है, जो आपको आई बटन में दिख जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगी। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बल्क में मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉपर चैनल्स होते हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनकी आपको रिसर्च होनी चाहिए और वो सर्टिफिकेट्स आपका पेपर वर्क रेडी होना चाहिए। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे अच्छे पैकेजिंग की। देखिए, इस दुनिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो दिखता है वही बिकता है। आज के टाइम पे कस्टमर, आप भी कहीं पे दुकान पे जाते हो तो 10 ही ऑप्शन होते हैं, और आपको इस हिसाब से पैकेजिंग बनानी होती है कि उस 10 प्रोडक्ट्स में आपका प्रोडक्ट अलग से चमके। अगर आपका माल अच्छा है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा खाना उगा रहे हैं, आप कोल्ड प्रेस्ड वाला तेल बेच रहे हैं, आप बहुत अच्छी क्वालिटी का मल्टीग्रेन आटा बेच रहे हैं, आपकी सब्जियाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन वो पैकेजिंग में अच्छी नहीं है, तो आपका माल नहीं बिकेगा। क्योंकि सीधी बात है, आपका पहली बार कस्टमर सामान खरीदता या नहीं खरीदता वो डिपेंड करता है कि पैकेजिंग कैसे है, और दूसरी बार खरीदता या नहीं खरीदता वो डिपेंड करती है कि आपका क्वालिटी कैसे है, खा के कैसा लगा। तो अगर क्वालिटी अच्छी है लेकिन पैकेजिंग खराब है तो ब्रांड कम ही नहीं उठ पाएगी, क्योंकि कस्टमर उसे टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए होता ही है, आप देख लीजिए कितनी एब्सर्ड मार्केटिंग होती है, कोई कुछ भी हेल्थ प्रोडक्ट बना के कर देता है, टूथपेस्ट में नमक आ जाता है, लेज जो चिप्स के पैकेट है वो भी कोई नहीं कहता कि ये हेल्थ के लिए ख़राब है। हम सब जानते हैं चिप्स और फास्ट फूड हमारी हेल्थ के लिए क्या करते हैं, 7-7, 8-8 महीने चिप्स का पैकेट ख़राब ही नहीं होता, लेकिन मार्केट देखेंगे आप तो उसमें यही लिखा होता है कि ये इतना हेल्दी है। और ऑफ कोर्स जब विराट कोहली उसमें ऐसे खा रहा होता है तो लोगों को लगता है विराट कोहली भी चिप्स खा रहा है। अरे भाई, ये चिप्स नहीं है, ये 2M मल्टीग्रेन चिप्स है, फ्राइड नहीं, बेक्ड है। Not just taste, it's got power of 7 grains. हमें मिसगाइड नहीं करना है पैकेजिंग पे, पर हमें पैकेजिंग अच्छी करनी है ताकि कस्टमर उसे खरीदे, और जब वो खरीदेगा और वो पहली बार खा के टेस्ट करेगा तब वो आपका परमानेंट ग्राहक बनेगा। तो दोनों चीज़ें देखनी है, क्वालिटी भी अच्छी हो और पैकेजिंग भी अच्छी हो, और पैकेजिंग के कहीं ना कहीं ज़्यादा ही नंबर बनते हैं। इसी के साथ हम आते हैं 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट यही है कि जो पैकेजिंग आप करें उस पर लेबलिंग बहुत अच्छे से हो, बेसिकली आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई कस्टमर को दिक्कत हो तो वो आपसे बात कर सके, आपके फार्म के बारे में कुछ आप बताना चाहें, बिल्कुल क्लियर क्रिस्प आपकी USP क्या है, ये ऑर्गेनिक है,
इसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करी गई है, ये लेबोरेटरी से टेस्टेड है, ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। आप कस्टमर को अपने बारे में उस छोटे से में बता रहे हैं जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता, तो आपको बेस्ट से बेस्ट आपका कंटेंट होना चाहिए और फोटो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए लेबलिंग पे भी बहुत आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्रिस्प लैंग्वेज में लिखेंगे हम, फॉन्ट एड़े तेड़े नहीं बनवाएंगे, सिंपल क्लियर मिनिमलिस्ट से पैकेजिंग होनी चाहिए जिसमें कोई धमाका ना हो और सारा अटेंशन आपकी ब्रांड को बढ़ाने में लगे। इसके बाद आती है बात लॉजिस्टिक्स की। बिजनेस का एक अहम पहिया लॉजिस्टिक्स है, क्योंकि बिना पहिए के गाड़ी नहीं चलती। आप माल कहीं पे भी बना लें, वहाँ तक पहुँचा नहीं पाएंगे तो बात नहीं बन पाएगी। और ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर होता है वही बेयर करता है अरेंजमेंट करने का लॉजिस्टिक्स के पार्ट को भी। तो हम जैसे अपनी दुकानों के साथ जो भी डील करते हैं उसमें हम उनका इंश्योर करते हैं कि आपकी दुकान तक बढ़िया माल उतर जाएगा, तो इसीलिए उसकी हेडेक नहीं होती, इसीलिए वो हमसे मंगाता है, वो हमें टाइम बताता है, उसके अंदर हम अरेंजमेंट करते हैं, कमर्शियल गाड़ी है, एक एक्स्ट्रा लड़का है जो लगेज उतारता है। तो आपको लॉजिस्टिक्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप उल्टे पुल्टे वायदे मत करिएगा कि यहाँ से आप जैसे दिल्ली से जयपुर आप कहीं डील बना लें, आपके खेत से जा रहा है माल, तो ऑफकोर्स इतना दूर छोटा क्वांटिटी का माल ले जाना बड़ा मुश्किल है। तो प्रैक्टिकल हम लॉजिस्टिक्स को भी देखें कि कहाँ से कितना ट्रांसपोर्ट का कॉस्टिंग आएगा, वो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कौन बियर करेगा, वो मार्केटिंग वाला बियर करेगा या आप प्राइस के अंदर ही इंक्लूड करके बता रहे हैं कि मेरे जो भी प्रोडक्ट है उसकी ये कीमत है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट। तो वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। लॉजिस्टिक्स बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है और उसको इग्नोर कतई नहीं करना है। एक बात खास करके आप ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट देने से आप बचें। खास करके जब आप नया बिजनेस चालू कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किलों से आपको कोई ग्राहक मिलेगा, और ग्राहक इतने सारे नहीं मिलेंगे, बल्क के हैं तो जो दो चार ही ग्राहक होंगे उनको आप बल्क में माल दे रहे होंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप जो क्रेडिट है यानी कि उधारी पे माल दे रहे हैं वो ना दें, और अगर उधारी पे दे भी रहे हैं तो ऐसा अरेंजमेंट करें कि हफ्ते में या मैक्सिमम दो हफ्ते महीने तक पेमेंट का साइकिल कंप्लीट होता रहे। इसमें आपका पैसा अटकने का रिस्क ख़त्म हो जाता है और डूबने का भी रिस्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ कई बार हो चुका है, नई नई दुकान खोली, जोश में हमसे सामान मंगा लिया, महीने का भी साइकिल था, लेकिन दो चार महीने बाद उसकी दुकान नहीं चली, उसने हाथ खड़े कर लिए और हमारा जितने का वहाँ पे सामान गया हुआ था उसने कहा मैं नहीं दे सकता पेमेंट। अब नहीं दे सकता तो क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि अगली बार हम बच के रहें और हम जो भी डील्स करें वो वर्बल से ज़्यादा राइटिंग में रखें। अगर छोटे लेवल पे है तो हम ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़ जाएं, लेकिन एक छोटा सा गूगल मेल पे एक ऑफिशियल तो हम लिखवा ही सकते हैं कि ये कंपनी है, इससे माल खरीद रही है, ये डील हुई है, ये हमारी जो भी MOU है, हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो कहीं पे रिटर्न में हो जाए। उससे ये क्या है कि किसी भी पार्टी को पलटने में थोड़ी मुश्किल होगी और जितनी बातें अप फ्रंट पहले ही हो जाए उतना लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन को मेंटेन करने के लिए अच्छा रहता है। B2B मार्केटिंग अच्छी है पर कहीं ना कहीं एक उसमें ना दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि बल्क में मार्केटिंग करते हैं तो सामान ज़्यादा निकल जाता है और कहीं ना कहीं सरदर्दी भी कम होती है मार्केटिंग करने की, पर मार्जिन बहुत कम होते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आप हमेशा बल्क वाले की नाक के नीचे रहेंगे। अगर आपका मान लो एक या दो ही कोई बल्क प्लेयर है तो हमेशा एक डर बना रहता है कि ये रेट गिरा दे या ये माल लेने से मना कर दे तो हम कहाँ बेचेंगे। तो उसीलिए मैं अब आपको नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, वो है B2C मार्केटिंग। तो वीडियो कैसी लगी साथियों? दरअसल मैं आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। मैंने अपने ऑनलाइन कोर्सेज फाइनली लॉन्च कर दिए हैं। मेरे ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल होने के लिए आप दी गई ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स के अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।